भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर की वार्ता पर सस्पेंस बरकरार है। आज पीएम मोदी इस मसले पर फैसला ले सकते हैं। कल विदेश मंत्री और विदेश सचिव से मोदी की घंटों गुफ्तगू हुई थी। पठानकोट में आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने कार्रवाई की है। खबर है कि मसूद अजहर को पाकिस्तान के बहावलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कई जगहों पर जैश के ठिकानों पर छापेमारी भी हुई। खबर यह भी मिल रही है कि पाकिस्तान ने मसूद अजहर के छोटे भाई अब्दुल रऊफ को भी पकड़ा है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से अधिकारियों की एक टीम भारत आएगी और पठानकोट हमले की जांच में सहयोग देगी। मसूद अजहर पर पाकिस्तान की कार्रवाई का डिफेंस एक्सपर्ट स्वागत कर रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उस पर आसानी से यकीन नहीं होता। मसूद अजहर पर पाकिस्तान की कार्रवाई का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। मसूद की गिरफ्तारी मामले में कांग्रेस ने भारत सरकार से कुछ सवाल भी पूछे हैं। लोहड़ी के मौके पर केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। सरकार नई फसल बीमा योजना को मंजूर कर दिया सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना पर फैसला लिया गया है। योजना के तहत फसल का नुकसान होने पर किसानों को दावे की 25% राशि तुरंत मिल जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वीकार करेगा। और उसके जिंदगी में आने वाले बहुत बड़े आर्थिक अनिश्चितता के माहौल से उसे छुटकारा मिलेगा। मैं यह भी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे कम प्रीमियम पर यह बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने कम प्रीमियम से बीमे के भरपाई के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि झारखंड में रबी और खरीफ की फसल की बीमा एक ही दर पर हो। रबी या खरीफ में होने वाले सभी फसलों का एक ही दर पर बीमा होगा। जैसे खरीफ में होने वाले धान, मक्का, उड़द आदि सभी के लिए एक ही दर पर बीमा होगा। केंद्र सरकार के फैसले का कांग्रेस ने भी स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपीएन सिंह ने कहा है कि 19 महीनों में पहली बार एनडीए की सरकार से किसानों को कुछ मिला है। पर आज गन्ने किसान की हालत क्या है? आज अगर क्रॉप इंश्योरेंस की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, इंश्योरेंस का काम, क्रॉप इंश्योरेंस का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। उन्होंने आज तमाम क्रॉप इंश्योरेंस का दिया है। जब तक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हम इस पूरे पॉलिसी को पढ़ नहीं लेते हैं, परंतु एक चीज मैं यहाँ जरूर जोड़ना चाहता हूँ कि किसानों के लिए कुछ भी, कोई भी सरकार कुछ करेगी तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका समर्थन करेगी। बिहार में निर्माण कार्य में जुटी कंपनियों को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। डिप्टी सीएम ने सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। जो भी परेशानियां आती हैं, चाहे जो भी ऐसे रंगदारियों या नक्सलियों से निपटने की जो रंगदारी जो मांग करते हैं, या लैंड एक्विजिशन का भी बहुत बड़ा हमारे डिपार्टमेंट में जो समस्या आता है, इन सब के हम लोगों ने समीक्षा की। एक एक करके हम लोगों ने सारे कॉन्ट्रैक्टरों से भी बात की और हम लोगों ने जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे सबको हम लोगों ने सिक्योरिटी अवेल करा दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सड़क निर्माण में जमीन अधिग्रहण से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी और अगर कोई समस्या होती है तो वो तत्काल इसकी सूचना दें। कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हमको बोल रहे थे कि छोटे छोटे हम लोग हैंडल कर लेते हैं, उनको भी हमने साफ इंस्ट्रक्ट किया है कि नहीं, कोई भी छोटा हो उसको आप लोग सीरियसली लीजिए और इसके लिए हम लोग ओपन है। कोई भी थ्रेट आए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी नंबर अपना अवेल करा दिया, डायरेक्टली ही कैन कम्युनिकेट विद देम ऑल्सो, और हमारे को भी SMS कर दे या बात कर ले, डायरेक्टली आकर के बात कर दे। कोई भी घटना होगी तो उस पर हम लोग सीरियसली हम लोग एक्शन ले।
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ हुई बातचीत को सड़क निर्माण कंपनियों के अधिकारियों ने सार्थक बताया है। नो, वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। डिप्टी सीएम साहब ने पर्सनली हर चीज के लिए ऊपर अटेंशन पे किया है। उन्होंने अपना नंबर भी दिया है कि कब कोई प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्टली उनसे बात करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर हो रहे विपक्ष के हमले का जवाब उनके छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिया है। लालू जी नेशनल लीडर के साथ साथ नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट है। वो पार्टी सरकार में है और सरकार में पार्टी का नेशनल लीडर का नेशनल प्रेसिडेंट का ये भी जिम्मेदारी आती है कि उनके पार्टी के लोग सरकार में क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या उनको हक नहीं है। दरभंगा सिविल सर्जन को फोन करके मामले में तेजस्वी ने कहा है कि लालू जी ने कुछ गलत नहीं किया। इतने लोग उनके पास आते हैं सुबह शाम, कोनो अलग से वो जनता दरबार का नाम तो नहीं देते। सुबह लोग पहुंचते हैं या शाम में लोग पहुंचते हैं, वो सबसे मिलते हैं। अब बीजेपी के लोग गरीबों से नहीं मिलते तो हमारी क्या गलती है? गरीबों के मुद्दे को नहीं उठाती तो हमारी क्या गलती है? मतलब कोई गरीब का मुद्दा अगर उठाए तो बड़ी बदनामी हो जाती है। आरजेडी पर हमलावर बीजेपी पर डिप्टी सीएम ने निशाना साधा, साथ ही उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी से पूछा कि वो आरजेडी से सवाल पूछने के पहले ये बताएं कि वो किस हैसियत से केंद्र सरकार के काम में दखल देते हैं। अच्छे काम के लिए जिसको रोजगार मिल जाए, गरीब लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अगर उनके भलाई के लिए अगर कोई फोन करता है तो मेरे ख्याल इसमें कोई गलत क्या है। ये सुपर सीएम सुशील मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो क्यों दिल्ली गए? केंद्र में इतने बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग नहीं समझते कि किस हिसाब से काम करना चाहिए? तो ये क्या इंस्ट्रक्शन देने गए थे क्या सुशील मोदी जी और उनकी बिहार की टीम? बिहार सरकार की टैक्स बढ़ाने के फैसले से आम लोगों में असंतोष है। लोग सरकार के फैसले को जन विरोधी बता रहे हैं। शराबबंदी के कारण टैक्स रेवेन्यू में कमी आई है, स्वाभाविक है। उसका असर बिहार की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगी और उससे जो कमी हो रही है उसको पूरा करने की कोशिश है या ऐसा लगता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने टैक्स बढ़ोतरी के फैसले को जरूरी बताया। उन्होंने कहा है कि सरकार कई विकास योजनाएं शुरू कर रही है जिसके लिए पैसे की जरूरत है। ऐसे में टैक्स बढ़ाने के अलावा सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लाना ही पड़ेगा ना, वो ला करके तभी तो काम दिखेगा। आप जब कमिटमेंट किए हुए हैं कि आपको रोड बनाना, पुल बनाना, फर्स्ट क्लास का सब कुछ सर्विस देना है लोगों को, तो उस हिसाब से हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। तो और शराबबंदी भी हम लोग कर रहे हैं, हर एक चीज़ों को देख करके कैलकुलेट कर करके ये सारी चीज़ें हैं। इसमें मेरे ख्याल से भलाई जनता को ही मिलेगा आखिर में। तो सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं और हमारी सरकार पूरी तरीके से कमिटमेंट है डेवलपमेंट को लेकर के, और सारी चीज़ हैं। बाकी ये सब छोटे मोटे इश्यूज़ ये लोग उठाने का काम करेंगे। जो उठा रहे हैं उनसे पहले पूछिए कि आपके केंद्र की सरकार ने क्या किया महंगाई को लेकर। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग के एक आदेश ने चुनाव लड़ने वालों की मंशा पर पानी फेर दिया है। आयोग का सख्त निर्देश है, जिसके घर में शौचालय होगा वही चुनाव लड़ेगा। आयोग के इस आदेश के बाद कुछ लोगों ने शौचालय बनवा लिया है तो कुछ लोग इसके लिए बहाने खोज रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए या गरीब जनप्रतिनिधि के लिए बहुत कठिनाई की बात है। हमारे मैं अगला बार जिला परिषद लड़ा था, मैं जिला परिषद था, मेरे घर में ही शौचालय नहीं था। लेकिन सब सरकार का जब मैं पेपर में देखा तो मैं सबसे पहले अपने घर शौचालय बनवाया कि चुनाव लड़ना है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री इस आदेश को बिल्कुल सही बता रहे हैं और लोगों की नाराजगी के बाद भी वो इस आदेश का कड़ाई से पालन करने की बात कह रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन की तरफ भी से भी गांव में सभी जगह शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, तो जो प्रतिनिधि होंगे उसके यहाँ तो अनिवार्य है शौचालय वो बनवा लें। निश्चित पूर्वक इसका जांच कराकर जो दोषी पदाधिकारी या पैसा उठाने वाले व्यक्ति हैं उस पर कार्रवाई होगी। वैशाली के विदुपुर पकौली इलाके में जमीन को लेकर हुए विवादों में दो पक्षों में गोलीबारी हुई। इसमें शुभम नाम के एक लड़के के सिर में गोली लग गई।
घायल लड़के की हालत को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है। छात्र समागम के छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास पर जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि पिछले चार महीने से कुलपति अपने आवास से ही कार्यालय का संचालन कर रहे हैं, लिहाजा विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल है। छात्रों ने कुलपति से छात्र संघ चुनाव की तारीख की घोषणा करने की मांग की है। वहीं छात्र छात्राओं की सुरक्षा की भी मांग उठाई। चुनाव के मसले पर पटना विश्वविद्यालय के प्रोक्टर का कहना है कि जल्द ही छात्र संघ चुनाव कराएगा। रेलवे की परीक्षा में आयु सीमा घटाने के विरोध में एनएसयूआई ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु का पुतला फूंका, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। एनएसयूआई का कहना है कि बिना किसी सूचना के आयु सीमा घटा दी गई है। रेलवे के सिलेबस में बदलाव से भी अभ्यर्थी गुस्से में है। एनएसयूआई ने केंद्र सरकार से अविलंब फैसला वापस लेने की मांग की है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर बिहार में रेल चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी। बाढ़ में बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की है। हादसे में मारे गए सभी 6 यात्रियों के परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग 4-4 लाख रुपए मुआवजा देगी। बाढ़ में यात्रियों से भरी बस पलटने से 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग इस दौरान जख्मी हुए। घटना बेलछी के एक डंगा गांव की है। सीवान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के 3 सदस्य बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इन लोगों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस और ताला तोड़ने के काम में आने वाला औजार भी बरामद किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से सरकारी आई कार्ड भी मिला है। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बांग्लादेशी नागरिक कैसे बिहार में आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना के भुसवर गांव निवासी किसान रामचरित्र महतो की अपराधियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। रामचरित्र महतो के परिजनों ने बताया कि 6 महीने पहले गांव के एक दबंग से लीची तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने परिजनों का बयान दर्ज कर लिया है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। सीतामढ़ी डीएम राजीव रोशन ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई गड़बड़ियां पकड़ी। कई स्कूलों में शिक्षक ड्यूटी से गायब मिले, जबकि उनका अटेंडेंस बना हुआ था। जांच में कुछ स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम पाई गई, जबकि रजिस्टर में उपस्थिति ज्यादा दिखाई गई थी। इन मामलों के सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। पटना के डीएम संजय अग्रवाल ने साल 2017 में होने वाले प्रकाश उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पटना घाट और गुरु के बाग का निरीक्षण किया। मकर संक्रांति को लेकर दानापुर और फुलवारी शरीफ के बाजारों में रौनक है। लोगों ने तिल को चूड़ा और गुड़ की खरीदारी की और ये खरीदारी अभी तक जारी है। हालांकि इस साल मकर संक्रांति को लेकर भ्रम की स्थिति है। कोई आज तो कोई कल मकर संक्रांति मनाने की बात कह रहा है। पटना में एसबीआई इनटच शाखा का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय बैंक समूह के प्रबंध निदेशक रजनीश कुमार इस शाखा का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस शाखा में ग्राहकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेंगी। गेतलसुद पंचायत में ग्राम सभा के दौरान सूबे के सीएम रघुवर दास ने लोगों के सामने उनके विकास की योजनाएं बनाई। इस दौरान कुछ ऐसे सुझाव आए जिसका सीएम ने तारीफ भी की है, उसका स्वागत भी किया। वहीं एक वर्ग 6 में पढ़ने वाले बच्चे ने इंदिरा आवास योजना में व्यापक भ्रष्टाचार की सीएम के समक्ष पोल खोलकर रख दी। छात्र के सवाल पर मुख्यमंत्री ने भी सूबे में इंदिरा आवास योजना के घोटाले की बात को स्वीकार किया है। बैठे लोग का अच्छी तरह सोच हो गया। इंदिरा आवास में बात सही है, शिकायत आती रहती है। क्या पदाधिकारियों नीचे का क्या रुपया बिना 5,000 रुपया 2,000 रुपया नहीं पास है। सही है,
रांची के गेतलसूद में सीएम रघुवर दास ने कहा है कि सभी जनप्रतिनिधि विकास के मुद्दे पर पंचायत स्तर पर स्थानीय लोगों के साथ बैठक करेंगे। हमारी सरकार ने 4,402 ग्राम पंचायत में योजना बनाओ अभियान के तहत, जहां मैं खुद आपके समक्ष उपस्थित हूँ, हर जिले में एक दो ग्राम पंचायत की बैठक इसी तरह करेंगे। हमारे मंत्रिपरिषद के जितने मंत्री, हर मंत्री बैठक लेंगे, हर एमपी, हर एमएलए जिस जिस ग्राम पंचायत की बैठक लेंगे। सीएम रघुवर दास ने यह भी कहा है कि उनकी कोशिश है कि शासन और जनता के बीच की दूरी को कम किया जाए। रघुवर दास ने विकास में जनता की भागीदारी का संकल्प भी दोहराया। सीएम ने इस दौरान ग्रामीण इलाकों में शिक्षा पर भी जोर दिया। जब तक इस गांव के प्रति डर, इस गांव को हमें शिक्षित गांव बना, इस गांव में हमारा कोई बच्चा बिना स्कूल ना जाए, ये कौन चिंता करे? सरकार चिंता करेगी? ये जो मानसिकता है, हर चीज सरकार का, ये जो मानसिकता है, इसी के कारण आज देश विकसित है। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, सरकार आपको सहयोग कर सकती। सीएमओ में महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने जनता दरबार लगाया। मंत्री जी ने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए। जनता दरबार में ज्यादातर फरियादी जमीन विवाद से जुड़े मामले, पेंशन और रोजगार की समस्या लेकर पहुंचे। कई लोग पारिवारिक समस्या लेकर भी जनता दरबार पहुंचे। धारा 144 का उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में रांची सिविल कोर्ट में मुख्यमंत्री रघुवर दास और मंत्री सरयू राय की गवाही हुई। इस मामले में 21 जनवरी को फैसला आ सकता है। जिस मामले में सीएम और मंत्री की गवाही हुई, ये मामला साल 2008 का है। 19 मई 2008 को तत्कालीन सीएम मधु कोड़ा को हटाने की मांग को लेकर बीजेपी ने सीएम आवास का घेराव किया था। बीजेपी के कार्यक्रम का नेतृत्व रघुवर दास और सरयू राय कर रहे थे। धनबाद के बैंक मोड़ इलाके में एक बेटे ने अपने पिता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इस संबंध में मृतक देवेंद्र रजक की पत्नी कौशल्या देवी ने बैंक मोड़ थाना में मामला दर्ज करवाया है। वहीं घटना के बाद आरोपी बेटा फरार है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र रजक अपने बेटे चंदर को अक्सर काम के लिए बोला करते थे, लेकिन चंदर को शराब की बुरी लत थी, तब भी चंदर नशे में धुत था। सिमडेगा में दुकानदार से 8 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई महिला गुमला की रहने वाली है। महिला के मुताबिक वो सिमडेगा में शादी के लिए आई थी और पैसों के इंतजाम के लिए दुकानदार से रंगदारी मांग रही थी। पुलिस ने इस मामले में पहले भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए थे। सिमडेगा के चर्चित मनोज हत्याकांड में आज बारूद गोप की गवाही होगी। बारूद गोप उग्रवादी संगठन पीएलएफआई से जुड़ा हुआ था। इस मामले में सिमडेगा विधायक एनोस एक का मुख्य आरोपी है। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से गवाही के पहले बारूद गोप की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बारूद गोप को सुरक्षाकर्मियों ने 11 जुलाई 2015 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद इसने पुलिस को बताया था कि विधायक के कहने पर शिक्षक मनोज को उठाया गया था और विधायक के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं करने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी। 25 नवंबर 2014 को पीएलएफआई उग्रवादियों ने मनोज को स्कूल से उठाकर उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना में विधायक जेल में बंद है। एनोस एक्का ने पिछला विधानसभा चुनाव जेल में रहते हुए जीता था। जमशेदपुर के मानगो थाना पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पीड़ित की मां ने थाने में एक युवक की जमकर पिटाई की।
इन युवकों पर शादीशुदा महिला की तस्वीर पर अश्लील बातें लिखकर इलाके में फेंकने का आरोप है। बताया जा रहा है कि महिला शादी के पहले इन युवकों के साथ काम करती थी। पीड़ित महिला ने मानगो थाना में जब इसकी शिकायत की तो पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान धनबाद में पुलिस ने बच्चों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया। बच्चों ने यहां पर गांधीगिरी के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों ने हेलमेट पहने बिना बाइक चलाने वालों को फूल और चॉकलेट दिए और हेलमेट पहनने का आग्रह किया। इस दौरान बच्चों ने शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाले नुकसान के बारे में भी लोगों को बताया। मकर संक्रांति को लेकर देवघर के बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। लोग चूड़ा गुड़ और तिलकुट की खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ के बाजार में कई वैरायटी के तिलकुट मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड खजूर के गुड़ से बने तिलकुट की है। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहे अर्धकुंभ का पहला स्नान आज है। आज मध्यरात्रि से पहला स्नान शुरू होगा। मकर संक्रांति का पुण्यकाल गुरुवार की मध्यरात्रि से लगने की वजह से स्नान पर्व दो दिन का होगा। मेला प्रशासन और गंगा सभा ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोनों दिन होने वाले स्नान के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कुंभ नगरी हरिद्वार को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है।